है आर्मी की टैंक। एक तरफ आर्मी की टैंक है, एक तरफ एरोप्लेन, और ये आर्मी का टैंक है, इंडियन आर्मी का। और वो आगे है पाकिस्तान आर्मी का। ये यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के जितने भी टैंक और जो भी युद्ध के अंदर काम में लिए गए थे वो इस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये इंडियन आर्मी का टैंक है, जो मेन गेट पे दो टैंक लगे हुए हैं, इस गेट से अंदर नहीं जाने देते। आगे है अंदर जाने का गेट। ये जैसलमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक ये सामने। इससे बम के रह जाते हैं जब भी युद्ध होता है तब। ये इसके नीचे टायर है और ये ऐसा दिखता है। ये ऐसा होता था। ये मेन गेट है, ये अंदर जाने का रास्ता है। ये जैसलमेर जिम के अंदर जाने का रास्ता 11 किलोमीटर दूर स्थित है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। जैसलमेर वार म्यूजियम के नाम से ये पाकिस्तानी टैंक है, जो युद्ध के अंदर काम में लिया गया था बॉर्डर पे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के जितने भी हथियार और ये टैंक थे ये यहीं पे रख लिए गए। और जो पाकिस्तानी शहीद हुए उनको भी यहीं पे दफना दिया गया। यह इंडिया का टैंक, यह पाकिस्तान का है, यह इंडिया का टैंक है आर्मी टैंक। ये जितने भी हथियार टैंक जितने भी साधन काम में लिए गए वो इस म्यूजियम के अंदर आपको देखने के मिलेंगे। ये पाकिस्तान की सेना का है। ये पाकिस्तानी सेना का टैंक। ये इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है एक तरफ। ये पाकिस्तानी टैंक है एक, और वो सामने इंडिया का टैंक है। ये भी पाकिस्तानी का है। ये अलग अलग हथियार है। और बॉर्डर पे रम की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी, जो पूरी इसी पर आधारित है, पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध पर। यहाँ पे ये प्लेन है, एरोप्लेन रखा हुआ है यहाँ पे, वो इंडिया का टैंक के अंदर पाकिस्तानी टैंक क्षतिग्रस्त हुआ था। ये इंडिया का ही और पाकिस्तान का टैंक।
पाकिस्तानी टैंक है, ये इंडिया का टैंक है। ये विमान है, ये दो टिकट दी है 55 रुपये का, 25 रुपये का ऑडियो विजुअल शो, और नीचे ये म्यूजियम की टिकट है, एक ऑडियो विजुअल और एक इस म्यूजियम की टिकट 30 रुपये की, तो इस म्यूजियम की है और ऑडियो विजुअल इसमें 5 मिनट का वो वीडियो दिखाया जाता है, वो आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगा कैसा है ऑडियो विजुअल। ये अलग अलग टैंक है यहाँ पे, जगह जगह ज़्यादातर इंडिया की टैंक है यहाँ पे। इस टैंक को अब काम में नहीं लिया जा सकता, ये यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हुए हैं जो यहाँ पे सजावटी के लिए रख दिए गए और म्यूजियम बना दिए गए। यहाँ दूर दूर से यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडिया के जितने भी टैंक और हथियार है वो देखने के लिए आते हैं, आपको हथियार भी मिलेंगे आगे अंदर। एक और सामने इधर अलग है, इधर अलग है, अलग अलग टैंक है। ये अंदर जितने भी हथियार थे और किस तरह से युद्ध लड़ा गया उसके बारे में पूरी डिटेल देखने को मिलेगी आपको। ये इंडिया का हथियार, ये गन है यहाँ पे, ये बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे भारतीय सैनिक अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। ये इस पर्वत के ऊपर जाकर के अपना तिरंगा लहरा रहे हैं भारतीय सैनिक। ये अभी सैनिक है, जो जितने हथियार काम में लिए गए हैं वो सब भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर देखने को मिलती है भारत पाक के युद्ध की। ये है वो ऑडियो विजुअल, ये टिकट है इसका 25 रुपये का, इसमें 5 मिनट का वो ऑडियो विजुअल दिखाते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था उसका। ये सामने पर्दे पे चलता है, इस प्रकार बैठने के लिए भाई टिकट जमा नहीं हुई अभी तक। ये सामने एक चाकू का निशान बना हुआ है और साइड में पानी भरा हुआ है। ये इस प्रकार से सैनिक लड़ते थे युद्ध।
ये सैनिकों की जीप है, ये चाकू जो यहाँ पे बना हुआ है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। रात में इस पानी के अंदर ये लाइटें लगी हुई है, जलती है। बहुत ही शानदार अच्छी जगह देखने के लिए। जैसलमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। आई लव इंडियन आर्मी के नाम से लोगो लगा हुआ है, सेल्फी पॉइंट। एक और सैनिक यहाँ पे, सैनिकों की मूर्तियां बनाई गई है जगह जगह इस प्रकार से। ये जैसलमेर वार म्यूजियम, ये सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। वो लाइट और साउंड शो 8:45 से 8:25, फिर 8:30 से 9:10 और क्लोज ऑन मंगलवार के दिन ये बंद रहता है।